आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक नई बैटल ड्रैग रेस की, और इसमें मैं सबसे पहले इंक्लूड करता हूँ R15S को, जो कि बहुत कम वीडियोस पड़ी हैं इसकी ड्रैग रेस की, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है अपनी AS और अपनी ड्यूक 250 के साथ। देखते हैं कितना ये सर्वाइव कर पाती है हम दोनों के बीच में, लेकिन वो सेगमेंट अलग है, चलो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मैंने उसको एक बार इंक्लूड कर लिया, लेकिन इनका टक्कर का बैठेगा हो सकता हो, लेकिन मेरी बाइक तो अपग्रेड है पर कोई तुक नहीं है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ कंपेयर फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। तो ये वीडियो कोई किसी बाइक को हेट के लिए नहीं है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट पर्पस है। यामा फैन बॉयज नाराज मत होना। और इधर वाल देखो BS6 R15S है, और इधर वाल है मेरी ड्यूक 250 BS6, और ये है अपनी 200 BS3 है, और ये अपग्रेड बहुत ज्यादा, आप लोग जानते हो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है इसमें, देख सकते हो पीछे से टायर का लुक, देख दो सब बाइक स्टॉक है। और परफॉर्मेंस में तो आप लोग जानते हो नो डाउट AS का अपना बहुत तगड़ा है और ड्यूक का बहुत तगड़ा है, लेकिन R15 से देखते हैं कितना ज़्यादा अचीव करा सकते हैं। इन दोनों बाइक से स्ट्रीमिंग देंगे R15 को, देखते हैं कितना जाती है। आज विंडब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो लास्ट टाइम भी विंडब्लास्ट बहुत था, क्योंकि हम लोग आजकल मॉर्निंग में शूट नहीं कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं। तो मैं चलाऊंगा अपनी ही बाइक चला लूंगा, और देखते हैं यार क्या रिजल्ट आते हैं, दोनों तीनों बाइक का परफॉर्मेंस निकालते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है परफॉर्मेंस निकालने का वो है R15S का। ड्यूक और AS का आप लोग देखा करते हो, लेकिन आज जो बाइक का परफॉर्मेंस निकाल ले वो R15 का होगा। चलो शुरू करते हैं फिर। तो अभी हम लोग तीन हॉर्न पे लॉन्च करने वाले हैं बाइक को। हाँ था क्यों नहीं, तुम पीछे दे थोड़ा सा, आगे चलो, आगे रोड खत्म हो जाएगा और ज्यादा है। चलो अच्छा चलो, ऐसी गाड़ी बगल चल रही थी, हमने तुमसे कह रही सिलो करो 156। क्या कह रहे हो भाई, समझ रहे हो, समझ गए। आगे कितनी गई, 162 गई थी, वो भी कहीं पे बाबा ना 158 की थी, 151 कौन सी ये अच्छी भाग रही तुम्हारी बाइक, ये 151 और ये 160 गई, लेकिन कहीं कहीं पे 160 गई, बराबरी है मतलब 20 वो देखो, राइडर भाई रखो पीछे, राइडर चेंज, मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है, रिस्क पे चलाना पड़ी गाड़ी, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं बता दूं, मैं ये नहीं चलाऊंगा भाई, मेरे को मैं नहीं चलाऊंगा तेरे, ब्रेक ब्रेक नहीं है, डर लगता है भाई, हम चलाएं वहाँ, देखो दादा पब्लिक नहीं है, ठीक है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, हम नहीं चला पाएंगे भैया, रहने दो, ब्रेक ब्रेक नहीं है तो राइडर कैसे एक्सचेंज करोगे, तो राइडर भाई रहने दो ना, 10 सेकंड मिल तो रहे इनको, अरे नहीं यार अब राइडर चेंज करो यार,
10 सेकंड R15 को दोगे या हम लोग को मिलेंगे 10 सेकंड ये पीछे पीछे राउंड के विनर भाई दोनों बाइक हुई है, थर्ड ये आ गई। ये थोड़ा सा मतलब तब भी आज बिमलास ज़्यादा उस हिसाब से बहुत अच्छी भागी, 156 चली गई, बहुत चली गई। और अब हम लोग बाइक एक्सचेंज कर लेते हैं और देखते हैं सेकेंड अटैम्प्ट में क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो उन दोनों का आप लोग जानते हो परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर है, 19-20 भी नहीं है, चाहे नई वाली ड्यूक हो चाहे BS6 ये वाली ड्यूक हो याली जनरेशन हो, ये साथ में चलती दोनों के। और वो वाली बाइक देखो ये इसकी परफॉर्मेंस सदा बाहर है, कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती, तो फिर इस पर कुछ वो कमेंट ना करना भाई आप लोग के बाइक को हेट है, लेकिन ये 150 cc के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब चलते हैं सेकेंड अटैम्प्ट की तरफ और इधर वाला R15 को 10 सेकंड देंगे और थोड़ी बहुत स्विफ्ट ट्रिमिंग देंगे भाई, टॉप एंड अच्छा निकालना ठीक है, टॉप एंड निकालना बढ़िया, 10 सेकंड मिल रहा है ना, हाँ 10 सेकंड मिलेगा पूरा। मैं तुम लोग को टोल पे मिल रहा हूँ ठीक, हाँ तुम लोग मिलोगे ही नहीं मेरे को, मैं तुम लोग को टोल पे मिल रहा हूँ ठीक, आओ 10 सेकंड पहले जा रहा है ठीक है, तो R15 को मैंने मौका दे दिया, देखते हैं यार कैसा फोन करती है। लेकिन यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 150 पे चल रही थी, 5 सेकंड बाद आते ना रेस खत्म थी, हाँ बस 5 सेकंड के फर्क से बच्चे हो भाई। अरे इसका बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस यार, मेरे वेट 151-152 चली गई। अच्छा बिना स्लिप स्विमिंग के गई, अच्छा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है यार, वही तो V3 V4 कुछ नहीं, फिर पानी चाय इसके सामने, तो स्टार्टिंग में जिस तरीके का इसका तुम इनिशियल सोच रहे हो अच्छा पावर दे रही है भाई। हाँ भाई वो मेरे वेट पे 151-152 गई है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 5 सेकंड और देते ना रेस खत्म थी। यार ये तो टोल पे आ गया था, हम लोग सोच रहे हैं अब पीछे हो मैं सोच रहा हूं कहां रह गए, कहां रह गए भाई, 150 चली तो हम लोग 160 चल रहे थे बस, ज्यादा नहीं चल रहे थे, ज्यादा नहीं, तुम भी 150 पे हो गए ना, 150 जा रही है, 154 जा रही थी, क्या बात कर रहा है भाई, 154 ले गए, देखो तो उसका चेचिस टाइटेनियम की चेचिस है भाई, जाएगा तो वही है, तुम ड्यू को 154 ले गए ना, बहुत सही ले गए, तब भी मैंने ओवरटेक कर दिया, हाँ भाई कर दिया वो हल्के भाई, एक कदम उसका वहाँ होता है, ये भी तो स्पाइडरमैन है। तो भाई अभी हम रिजल्ट लेगा, फर्स्ट आ गया हल्क अपना, फर्स्ट मेरे वेट पे हल्क फर्स्ट आ गया भाई, 154 ले गए हैं,
तो मेरी गाड़ी में 14 का एरर है, 170 पे 14 का एरर है, 150 पे 10 12 का है, और R15 चली गई 152। तो आप लोग ने वीडियो देखी, आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो को। तो यार क्या बताएं, इस V3 ने मेरा दिल खुश कर दिया, इस S ने, V3 S है, इसने मेरा दिल खुश किया, बहुत अच्छा परफॉर्म करी इस बाइक ने। 10 सेकंड का टाइम देने बाद भी R15 यार तब भी एकदम टोल तक पहुंच गई थी, मिनिमम 2 सेकंड से मैं जीता हूं, और मेरे पीछे थी ड्यूक और इधर चल रही थी R15। तो जानते हो आप लोग, बगल में कैमरा मैंने शो किया कि देखो R15 कैसे चल रही है, और मैंने अपनी आंखों से देखा 152 चल रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन राइड सेफ, बाय बाय।